नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज सोने और चांदी के भाव में कितनी गिरावट देखने को मिली है और इसी के साथ में आज की कुछ काम की बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए तो आज की पहली खबर है, देश भर में मिलेगी 2400 घंटे बिजली, बजट में घोषित हो सकती है नई योजना। जी हां दोस्तों, बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों को वित्तीय रूप से पटरी पर लाने की उदय योजना सफल रही और इससे बिजली वितरण कंपनियों का नुकसान भी कम हुआ। उन्होंने बताया कि इसमें सुधार लाते हुए नई उदय योजना की आगामी बजट में घोषणा की जा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2021 का बजट पेश करेगी। देश में बिजली की उपलब्धता के बारे में उन्होंने कहा कि अभी बड़े शहरों में 23 से 24 घंटे बिजली मिल रही है, जबकि छोटे शहरों में 22 घंटे और गाँव में 18 से 20 घंटे ही बिजली दी जाती है, लेकिन हमें इसको 24 घंटे तक पहुंचाना है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि पूर्व में कई योजनाओं की तरह अब नई योजना भी शुरू होगी। दरअसल सरकार ने भारत के सभी गांवों तथा शहरों में 2400 घंटे बिजली देने की योजना बनाई है। चलिए तो अगली खबर है, चीनी माल पर नकेल कसने की तैयारी, इन उत्पादकों पर सरकार बढ़ा सकती है इंपोर्ट ड्यूटी। जी हां दोस्तों, सस्ता चीनी माल खरीदना अब पुरानी बात होने वाली है। देश के उद्योगों पर पड़ रहे बुरे असर को देखते हुए मोदी सरकार ने बाहर से आयात होने वाली वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाने का मन बना लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री आगामी बजट के दौरान लगभग 50 आइटम पर आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। बजट से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे कि मोबाइल फोन के चार्जर, लैंप, लकड़ी के सामान और आभूषण पर आयात शुल्क बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। चलिए तो अगली खबर है, 1 फरवरी से बदल जाएगी ये चीजें, आपकी जेब पर होगा सीधा असर। जी हां दोस्तों, आगामी 1 फरवरी 2020 को कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं जिसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ सकता है। और इसमें जो पहला बदलाव है, 1 फरवरी से LIC बंद कर रही है ये 23 पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC 31 जनवरी 2020 से 23 पॉलिसियां बंद कर रही है। दरअसल भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने जीवन बीमा कंपनियों को उन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को बंद करने को कहा है जो कि नए प्रोडक्ट गाइडलाइन के अनुरूप नहीं थे। चलिए तो दूसरा बड़ा बदलाव है, इन स्मार्टफोन को सपोर्ट नहीं करेगा व्हाट्सएप। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो 1 फरवरी से पुराने एंड्रॉइड और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोन में व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं करेगा। दरअसल 1 फरवरी 2020 से iOS 8 या उससे पुराने वर्जन में व्हाट्सएप नहीं चलेगा, तो वहीं एंड्रॉइड के 2.3 के वर्जन में भी व्हाट्सएप नहीं चलेगा। चलिए तो तीसरा बदलाव है, रसोई गैस के बदलेंगे दाम। जी हाँ दोस्तों, 1 फरवरी को रसोई गैस के दाम में भी बदलाव होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस की कीमतों में बदलाव का असर घरेलू बाजार में भी देखने को मिलता है। हर एक महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर और हवाई तेल के दाम में भी बदलाव देखने को मिलता है। चलिए तो चौथा बदलाव है, हड़ताल पर रहेंगे बैंक के कर्मचारी। जी हां दोस्तों, अपनी मांगों को लेकर देश भर में बैंक के कर्मचारी 1 फरवरी को हड़ताल पर रहेंगे और इसी दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। चलिए तो अगली खबर है, प्रॉपर्टी बेचने पर लगने वाला टैक्स हो सकता है खत्म, जानिए क्या है सरकार के मन में। जी हां दोस्तों, प्रॉपर्टी बेचने से मिलने वाले पैसे पर लगने वाला टैक्स खत्म हो सकता है। केंद्र सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को खत्म करने का विचार कर रही है। 1 फरवरी को बजट के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस टैक्स को खत्म करने की घोषणा कर सकती है। चलिए तो आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि विटामिन सी कौन सी चीज में सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग इसका सही जवाब देंगे उनके नाम यहाँ पर रैंडमली प्रकाशित किए जाएंगे और वे जी सकते हैं गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर और इसी के साथ में पेटीएम कैश भी। चलिए तो बात करें सोने चांदी के भाव की, तो खुशखबरी, सोना चांदी 657 रुपए तक हुए सस्ते, जानिए 10 ग्राम का नया भाव। जी हां दोस्तों, रुपए में मजबूती के चलते सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली के सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 162 रुपए घट गया, जिसके बाद सोने की कीमत 41,294 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुकी है। तो वही चांदी का भाव 657 रुपए गिरकर 47,870 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों आज की मुख्य खबरों में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।